Good morning, class. In today's class, we are going to study how to prepare income and expenditure account. Okay, we are starting with our first question, that is question number 40. In question number 40, it was written, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 from the following. Okay, first we have to note down our financial year. In this, our financial year is 1920. Okay, let's start with receipt side. Balance BD, that is cash, is 1,80,000. I told you that in receipt and payment account, is if opening cash is given, it will be shown where? In opening balance sheet, asset side. Why asset side? Because cash is the asset for us. Next, subscription. Subscription is shown in income and expenditure account. Why income and expenditure account? Because what is subscription? Subscription is income for us. So it will be recorded in income and expenditure account under the income side. Okay, subscription, that is to be 9,00,000. Next we have sale of investment. Okay, mark this point. Sale of investment. As we know, investment is asset and sale of investment is not of revenue nature. It is of capital nature. In income and expenditure account, okay, we only record the item which are of capital, which are of revenue nature, not the capital nature. So, it will not shown in income and expenditure account. Next, sale of old furniture. Okay, the book value is 40,000 and the market value is 30,000. What does it mean? जो जब हमने फर्नीचर सोल्ड करा, ठीक है, जब हमने परचेज करा उसकी वैल्यू थी 40,000 की और जब हम उसको सोल्ड कर रहे हैं, हम उसको 30,000 पर सोल्ड कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? हमारा 10,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. तो लॉस हम कहाँ पर शो करेंगे? लॉस हम एक्सपेंडिचर साइड पर शो करेंगे एज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दैट इज टू बी 10,000. ओके, नेक्स्ट आगे गिवन है डोनेशन. डोनेशन, सिर्फ डोनेशन लिखा है, इट इज़ नॉट अ स्पेसिफाइड डोनेशन. मैंने बताया था कि जब स्पेसिफाइड डोनेशन की बात होगी, वो कहाँ पर जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोनेशन लिखा है, तो डोनेशन हुई है तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर. डोनेशन, हमारे को डोनेशन कितनी रिसीव हुई है? 10,000 की डोनेशन हमारे को रिसीव हुई है. ओके, नेक्स्ट वी सी ऑन द पेमेंट साइड. पेमेंट साइड पे हमारे को क्या गिवन है? सैलरी गिवन है. सैलरी हमारे को कितनी गिवन है? 4,80,000 की. ठीक है, सैलरी हम पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा. तो हमारी सैलरी कितनी हो गई? 4,80,000. राइट, नेक्स्ट रेंट हमारे को बुक में कितना गिवन है? 50,000 का. अगेन रेंट भी हम कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंडिचर में रेंट भी लिख देंगे. उसके बाद हमारा क्या गिवन है? स्टेशनरी. ठीक है, स्टेशनरी भी एक्सपेंडिचर हो रहे, एक्सपेंसेस हो रहे हमारे. स्टेशनरी हमारे को क्वेश्चन में 20,000 की गिवन है, तो हम 20,000 डिनोट कर देंगे ऑन एक्सपेंडिचर साइड. उसके बाद क्वेश्चन में डिफेंस बॉन्ड गिवन है. ये डिफेंस बॉन्ड किसका पार्ट है? डिफेंस बॉन्ड बैलेंस शीट का पार्ट है. अच्छा, डिफेंस बॉन्ड होता क्या है? व्हाट इज डिफेंस बॉन्ड? डिफेंस बॉन्ड हमारी एक सिक्योरिटी होती है जो कि इशू करती है बाय द गवर्नमेंट. कौन इशू करता है डिफेंस बॉन्ड को? गवर्नमेंट इशू करता है. तो ये यहाँ पे नहीं आएगा. नेक्स्ट फर्नीचर. फर्नीचर is again asset for us. Bicycle, ये भी asset है. फिर balance CD, ये हमारे को closing cash balance given है. ये कहाँ जाएगा? closing balance sheet में जाएगा. तो इसमें income and expenditure में और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ subscription और donation. Let us calculate both the side. ठीक है, हमारा income कितना आ रहा है? 9,10,000. उसमें से
हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपनी एक्सपेंडिचर साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, सरप्लस। सरप्लस मैंने बताया था कब बचेगा, जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी देन द डेबिट साइड। तो हमारा सरप्लस आ रहा है इन सबको सब्ट्रैक्ट करके 350,000। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है। और जब भी हमें पता है अकाउंट्स में, जब भी हम क्लोज करते हैं तो हम डबल लाइन के साथ क्लोज करते हैं, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट वॉज रिटन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डेली नर्सरी सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन में हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 है। लेट्स सी, रिसिप्ट साइड पे हमारे को बैलेंस बी थी कैश एट बैंक, अगेन ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। सब्सक्रिप्शन गिवन है, अच्छा इससे पहले एक बार हम नीचे एडजस्टमेंट भी गिवन है इस क्वेश्चन में, पहले उसको देखते हैं। डोनेशन लिखा हुआ है, डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मतलब जो डोनेशन हमारे को रिसीव हुई थी किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए, हमने गलती से कहाँ पे इंक्लूड कर दी, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड कर दी। तो इंक्लूड करी है तो इसका मतलब हमने गलती से करी है, तो सब्सक्रिप्शन में से हम उसको डिडक्ट कर देंगे, राइट। आगे ये लिखा है, अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड इतना वॉज आउटस्टैंडिंग। हमारे को मेडिसिन का बिल जो था 12,800 का, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एंड की बात हो रही है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें पता है हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हम इसको ऐड ऑन कर देंगे। आगे, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब ये किसका पार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में। हमारे को सब्सक्रिप्शन गिवन है, कितने गिवन है क्वेश्चन में, 1,11,500। और क्वेश्चन में बोला था कि हमने इसमें डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इंक्लूड कर रखा है, दैट इज टू बी 10,000। तो हम इसमें से 10,000 डिडक्ट कर देंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,15,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, फीस मिली है, अगेन ये हमारी क्या हो रही है, इनकम हो रही है कितने की, 27,000 की। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए क्वेश्चन में बोला था कि कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये स्पेसिफिक नहीं है तो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उसका मतलब हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। आगे गिवन है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब यहाँ पे डोनेशन स्पेसिफाइड डोनेशन बोल रहा है, हमने डोनेट करा किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए। स्पेसिफिक चीज़ है तो स्पेसिफिक कहाँ जाती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे सिर्फ डोनेशन लिखा था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में इनकम साइड पे लिखा था, बट यहाँ पे जो डोनेशन हो रही है वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको डिनोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्यों रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये रिसिप्ट साइड पे गिवन है, तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना है, 3,800। ओके, अब आ जाते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पर क्या गिवन है, सैलरी ऑफ नर्सेस, तो सैलरी गिवन है हमारे को कितनी, 65,600। नेक्स्ट ब्रॉड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, ये गिवन है लॉन्ड्री का एक्सपेंस वगैरह कितना, 38,000। उसके बाद हमारे को क्वेश्चन में रेंट रेट गिवन है जो कि है हमारे 20,000। अब कॉस्ट ऑफ अ कार, कॉस्ट ऑफ अ कार मतलब कार हमने परचेज करी है, तो कार हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड का। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस खर्चे हो रहे हैं तो इसलिए हम कहाँ डिनोट करेंगे इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पे, दैट इज टू बी 84,000।
थाउजेंड। नेक्स्ट है हमारे ड्रग एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल ये मेडिकली मेडिकल से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन में हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग बिल था मेडिकल का कितना 12,800, तो ये हम ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है हमारे 67,000 के, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट दी एंड जो कि है कितने 12,800, तो हमारा टोटल कितना आता है 79,800। ठीक है, अब हम इसको दोनों साइड को फिर से टैली करेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। इस क्वेश्चन में देख रहा है कि हमारी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, कितनी है हमारी डेबिट साइड 287,400। ठीक है, इसमें से हम क्रेडिट साइड को डिडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 55,100। अब हमारी क्रेडिट साइड कम है तो हमारा किससे बचेगा, डेफिशिट से बचेगा। ठीक है, डेफिशिट तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या आया, डेफिशिट आया कितने का 55,100 का। इस क्वेश्चन में हमारा सरप्लस आ रहा था कितना 3,50,000 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इन क्वेश्चन नंबर 42 इट वाज रिटन फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यूबी 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन, अगेन सबसे पहले क्या गिवन है, बैलेंस बीडी गिवन है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट क्या गिवन है, पहली एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 55,000। कब की गिवन है 20 यानी कि एंड की गिवन है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम क्या करते हैं एड ऑन करते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस गिवन है कितनी 40,000 की, आउटस्टैंडिंग है तो ये भी एंड में ही हो रहा है तो इसको भी हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे सैलरी एंड वेजेस में। फिर डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बाय 25%। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है किस पर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे क्वेश्चन में कितने हैं 3,40,000। 3,40,000 का हम 25% डेप्रिशिएट कर देंगे और ये कहाँ चला जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर साइड पे चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे को बैलेंस बी डी, अगेन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दो गिवन है हमारे को 18-19 के और 19-20 के। एज हमने पढ़ा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी हमारा करंट ईयर क्या है हमारा 1920, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से ही रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो 1920 का सब्सक्रिप्शन हमारे को कितना गिवन है 3,50,000। उसके बाद हमारे को एडजस्टमेंट में गिवन था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एंड का हम ऐड करते हैं जो कि हमारा 55,000, तो टोटल फिगर कितनी आएगी हमारी 4,05,000। टोटल हमारा कितना आया 4,05,000। ओके, नेक्स्ट गिवन है डोनेशन। फिर से डोनेशन स्पेसिफाइड नहीं है तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे, दैट इज टू बी 50,000। उसके बाद गिवन है क्वेश्चन में एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी कितनी गिवन है 80,000, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे। नेक्स्ट पेमेंट साइड पर अब हम देखेंगे सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस यानी कि हमने पे करी है सैलरी एंड वेजेस हमारी क्वेश्चन में 1,60,000 है। अब एडजस्टमेंट में हमारे को आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन थी दैट इज टू बी 40,000। ठीक है, तो हमने इसको ऐड ऑन कर दिया तो टोटल हमारा आता है 2,00,000। नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस, अगेन एक्सपेंस हो रहे हैं तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे, दैट इज टू बी 35,000।
फिर क्वेश्चन में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है, स्पोर्ट इक्विपमेंट पे हमारे को डेप्रिसिएशन गिवन था, कितना डेप्रिसिएशन गिवन है 25%। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे को कितने हैं 3,40,000, उसका 25% दैट इज़ टू बी कितना आएगा हमारा 25% 85,000। ठीक है, कितना आएगा हमारा डेप्रिसिएशन 85,000। नेक्स्ट है टेलीफोन चार्जेस, अगेन क्या हो रहा है हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितने से हो रहा है 24,000 से। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में, दैट इज़ टू बी 32,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज़ टू बी 65,000। अब कित क्या लिखा हुआ है, बैलेंस पीटी कैश इन हैंड मतलब क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ये किसका पार्ट होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट होगा। अब फिर से हम इस क्वेश्चन में टैली करेंगे, ठीक है, इनकम साइड एंड द एक्सपेंडिचर साइड, जो कि हमारा कितना आ रहा है क्रेडिट साइड हमारी आ रही है इस क्वेश्चन में, दैट इज टू बी 5,35,000। और इसमें से हमने डेबिट साइड को डिडक्ट करा तो हमारा कितना आया, सरप्लस आ रहा है इस क्वेश्चन में 94,000 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, दिस इज विल बी योर होमवर्क, आई एम डिस्कसिंग विथ यू इन दिस स्पोर्ट्स फंड इज गिवन एज ऑन 1 अप्रैल, स्पोर्ट फंड गिवन है, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, स्पेसिफाइड फंड गिवन है, ये चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, ये हमने पहले भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन जब करे थे उसमें कर रखा है ये। इन्वेस्टमेंट हमारी कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। इंटरेस्ट इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, डोनेशन भी ऐड ऑन हो जाएगी, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड है ये हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, एक्सपेंसेस है ये भी हम डिडक्ट कर देंगे। जनरल फंड मैंने बताया था कि जनरल फंड और कैपिटल फंड इज द सेम थिंग, ओके, तो कैपिटल फंड हमारा किसका पार्ट होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट अगेन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, अभी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट गिवन है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू बी 44 क्वेश्चन, इन 44 क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा हमारा 1920। सबसे पहले रिसिप्ट साइड पे क्या गिवन है, बैलेंस बीडी गिवन है 2 लाख, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड का पार्ट है। एंट्रेंस फी, अगेन एंट्रेंस फी 18-19 की भी गिवन है और 19-20 की गिवन है। जैसे मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ हम करेंट ईयर की रिकॉर्ड करते हैं, तो हम एंट्रेंस फी किसकी, कौन से ईयर की रिकॉर्ड करेंगे, 19-20 की रिकॉर्ड करेंगे। कितना गिवन है 19-20 का, दैट इज टू बी 50,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, 1920 की सब्सक्रिप्शन 100% गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, कितना गिवन है सब्सक्रिप्शन, ओनली 90%, दैट इज टू बी 90,000। तो अब इस क्वेश्चन में हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे 100%, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब्सक्रिप्शन हमारे को कितना 90,000 गिवन था, 90%, तो हम 100%, 100/90 इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 लाख, 1 लाख आएगा हमारा सब्सक्रिप्शन। या तो तुम इसको सीधा सीधा ऐसे भी शो कर सकते हो, 90,000 प्लस ये 90% प्लस में 10%, दैट इज टू बी 10,000, तो टोटल सब्सक्रिप्शन 1 लाख हो गया, या डायरेक्ट भी सीधा तुम 1 लाख लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी हमने पहले भी पढ़ा है, ये लाइफ टाइम की बात हो रही है, कैपिटलाइज है, तो ये किसका पार्ट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है। डोनेशन, हम यहाँ पे फिर से डोनेशन, सिर्फ डोनेशन गिवन है, स्पेसिफाइड नहीं है, डोनेशन अगेन आ जाएगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे। अब देखो डिफरेंस देख रहे हो, डोनेशन
एंड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, यहाँ पे खाली डोनेशन लिखा है, यहाँ पे उसी डोनेशन को हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो ये स्पेसिफाइड डोनेशन कहाँ चली जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन था, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी लिखा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, स्पेसिफाइड हो गया, अगेन ये इसका पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, एक पॉइंट को अभी रुको, हम आगे चलते हैं इसको, मैं अभी आगे नेक्स्ट में लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर सोल्ड करे हैं, हमारी इनकम हो रही है न्यूज़पेपर से, कितनी हो रही है हमारी 300 रुपीज़ की। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बुक वैल्यू ऑफ 1200 और मार्केट वैल्यू है इसकी 500, तो हमारा सीधा सीधा लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर, 700 रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है लॉकर रेंट, लॉकर रेंट क्वेश्चन में कितने गिवन है, 6800, बट ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट 600 रुपीज़ जो है वो 18-19 के इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है, हमने सिर्फ कौन सी ईयर का लेना है, करेंट ईयर का, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, लॉकर रेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना 600 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारा रिमेनिंग बचा 6200। ओके नेक्स्ट पेमेंट साइड, पेमेंट पे रेंट, रेंट कितना गिवन है 60,000, 60,000 में से फिर से लिखा है जो 15,000 है वो किसका इंक्लूडेड है, 18-19 का, तो हम 15,000 अगेन क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना बचा रिमेनिंग 45,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, सेम विद इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 का है, 15,000 प्रीपेड है क्योंकि वो 2021 का इंक्लूडेड है, वो भी हम इसमें डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 45,000। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है, हमारी एसेट है, फर्नीचर एसेट होती है, फिक्स डिपॉजिट का भी मैंने बोला था मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, इसको छोड़ते हैं। देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अब इस क्वेश्चन में हमारे को डोनेशन फॉर टूर्नामेंट गिवन है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गिवन है, तो डोनेशन में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम डिडक्ट कर देंगे, पर ये कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बुक्स, बुक्स क्या है हमारी एसेट है, अगेन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर खर्चे हैं, रेवेन्यू आइटम है, तो 1,000 आ गया न्यूज़पेपर का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने की है, 19,000 की है, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। बैलेंस शीट ये कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। अब आते हैं फिक्स डिपॉजिट, क्वेश्चन में हमारे को 8% फिक्स डिपॉजिट गिवन है 1,20,000 के, ठीक है, और ये हमने कब पेमेंट करी है इसकी, 1 अक्टूबर 2019, कब पेमेंट करी है, 1 अक्टूबर 2019। फिक्स डिपॉजिट कितना गिवन है, 8%, कितना 1,20,000, 1,20,000 का 8% और 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6 मंथ, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6/12, 6 मंथ्स का, तो इसका सीधा सीधा कितना अमाउंट आ रहा है, 4,800, ठीक है। अब इस 4,800 में से क्वेश्चन में हमारे को इंटरेस्ट गिवन था फिक्स डिपॉजिट कितना, 2,400, इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव होना था वो 4,800 रिसीव होना था, 24 हमारे को रिसीव हो गया है, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, एक्रूड इंटरेस्ट बचेगा कितने का, 2,400 का, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एफ डी दैट इज टू बी 24 गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस में एक्रूड इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट करा है, टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारा 4,800 का, ठीक है। अब बस कैलकुलेट करो डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड इस क्वेश्चन में हमारी आ रही है 2,81,300, उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे डेबिट साइड, तो हमारा सरप्लस बच रहा है इस क्वेश्चन में 1,70,600। होप यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस,
एंड इफ एनी डाउट एंड एनी थिंग प्लीज कॉन्टैक्ट टू कल्पना मैम. ओके थैंक यू.